आज से 17 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस एजुकेशन स्कीम का इनेखाद अमल में लाया, शुरुआत की गई थी। मरहूम कायद ने 2005 में इस स्कीम का आगाज़ किया और इसका मकसद ये ही था कि हुकूमत के जो उर्दू मीडियम के मदारिस हैं उसमें पढ़ने वाले तुरबा और तालिबात को उनकी तालीम में और उनकी तालीम को मुकम्मल करने के लिए मरहूम कायद सालार मिल्लत ने स्कीम की शुरुआत की आज से 17 साल पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ ये स्कीम चल रही है। और मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो आवाम जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपना तआवुन पेश करते हैं और जलसे रहमतुल आलमीन और नातिया मुशायरे के बाद उसके अखराजात अदा करने के बाद जो पैसे बचते हैं उसको मजलिस चैरिटीज़ एजुकेशन रिलीफ ट्रस्ट के तहत हर साल एजुकेशन किट दिया जाता है, एसएससी की इम्तिहान की फ़ीस दी जाती है और एसएससी के टॉपर्स को इनामात कैश अवार्ड दिया जाता है, रकम दी जाती है और फिर हर साल ऑल इन वन एक गाइड दी जाती है। तो इस साल फरवरी में आज ऑल इन वन गाइड तेलंगाना के 8,000 तुरबा और तालिबात जो 10वीं जमात का इम्तिहान इंशाल्लाह लिख रहे हैं इस साल, उनको दी जाएगी और उसका जो अखराजात हुए हैं 8,000 ऑल इन वन गाइड को प्रिंट कराने के लिए वो 22,55,000 के करीब हैं। और उसी तरीक़े से जो एजुकेशन किट दी गई वो 14,000 तुलबा और तालिबात में दी गई इस साल, जिसकी लागत करीब 40 लाख के करीब थी। और उसके साथ साथ तो अगर आप ये दोनों स्कीम को मिला लेंगे, एजुकेशन किट को, एसएससी की इम्तिहान की फ़ीस को, तीन स्कीम पर, तो करीब 65 लाख के करीब इस साल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस में मजलिस एजुकेशन एंड रिलीफ ट्रस्ट के तहत ये काम कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक पिछले 17 साल में जो तुलबा और तालिबात ने स्कीम से फ़ायदा उठाया उसमें 2,85,000 से ज़्यादा है। और इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है कि जिस तरीक़े से स्कीम चल रही है उसको आने वाले सालों में भी आप तमाम का तआवुन, आप तमाम की मदद उसमें शामिल रहेगी। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम उन ज़िम्मेदारों को जो हर साल कामयाबी के साथ एजुकेशन किट हो या फिर आपके ऑल इन वन गाइड हो और फिर एसएससी के टॉपर एसएससी के इम्तिहान की फ़ीस देते हैं, जो ज़िम्मेदारान इसके लिए काम करते हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और तुलबा और तालिबात से भी ये गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस ऑल इन वन गाइड को इस्तेमाल करिए और पूरी कोशिश मेहनत करिए ताकि अच्छे से अच्छा नतीजा आपका आ सके, क्योंकि एसएससी के 10वीं जमात के बाद फिर आपको 11वीं और 12वीं जमात में इंटर करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं, अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि आप लोग अपनी तालीम को जारी रखेंगे और सिर्फ 10वीं जमात के बाद तालीम को नहीं छोड़ेंगे। ख़ास तौर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे बेटियों से कि वो अपनी तालीम को जारी रखेंगे, 11वीं और 12वीं जमात को मुकम्मल करेंगे और फिर ग्रेजुएशन करेंगे या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स अगर उनको करना है तो आप करिए।
और जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप बिला झिझक बेखौफ होकर आप दारुस्सलाम आकर हमसे राबता कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। हमारी भी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग अपने ज़िंदगी के ख्वाबों को पूरा कर सकें, इल्म के मैदान में आप आगे बढ़ें। और मेरा मानना यह है कि जब तक मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं होंगे, हम अपने हमसे जो नाइंसाफ़ी की जाती है हम उसका खात्मा नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जो हमारा वतन अज़ीज़ है हमको इज़्ज़त की निगाहों से देखा जाए, तो याद रखिए सिर्फ जज्बाती तकारीर से आपको इज़्ज़त नहीं मिलती। आपको अगर इज़्ज़त मिलना है तो हम तमाम मुसलमानों को मिलकर इस बात को एक अहद लेना है कि हम अपनी औलाद को पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे, और ख़ास तौर से हमारी बेटियों को। मेरा मानना यह है कि अगर माँ बाप बच्चियों को उनके हौसला अफजाई करते रहेंगे, उनको इनक्रेज करते रहेंगे, तो यकीनन वो बच्चों से ज़्यादा मेहनत करती हैं और वो अपने ज़िंदगी के ख्वाबों को पूरा कर सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आने वाले जो मुस्तकबिल के चैलेंजेस हैं उसका अगर हमको मुकाबला करना है तो हमको इस नस्ल को तैयार करना है, इल्म के ज़रिए, अच्छे किरदार के ज़रिए, अच्छे तख्वा के ज़रिए। और ये चीज़ें जब उनमें पैदा होंगी तो एक ताकतवर इंसान बनेंगे, ना सिर्फ वो मुल्क को बल्कि वो मुसलमानों को, अपने महल्ले को, अपने शहर को एक ख़ूबसूरत और एक ताकतवर जगह बनाएंगे। मैं फिर से तमाम असातिज़ा का, हेड मास्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर आए हैं। वाखर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब ऑल इन वन गाइड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा।